हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग सपनावश ब्लॉग। और आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी आपकी शुभकामना है। और आज का ब्लॉग जो डेली ब्लॉग है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज अभी तो सारा काम बाकी है घर में, अभी तो काम वाम करना है, उसके बाद हम शाम को आउटिंग करने जाएंगे। आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, और अभी मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये मैं मूंग की दाल का चीला बना रही हूँ। इसमें मैंने मूंग की दाल को धो के और उसको 2 घंटे भिगोने के बाद मिक्सी में पीस लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो है प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है, शिमला मिर्च डाली है, और आपके पास जो भी और वेजिटेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और इसका अब हम चीला बनाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका मूंग की दाल का चीला बनता है। आइए चलते हैं गाइस। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और स्वाद के अनुसार इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे एक चुटकी। और उसके बाद इन सब मसालों को हम अच्छी तरह 5 मिनट तक फेटेंगे। और अभी इसको थोड़ा हमें पतला करना है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। डाल दीजिए इसमें हींग। बस अब इन सब मसालों को हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से। इसमें 1 कप पानी डालेगा। इसका जो बैटर है ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें चीला बनाना है। अभी हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और अब उसको अच्छी तरह फेटेंगे। जितना अच्छी तरह हमारी ये मूंग की दाल की पिट्टी फेटेंगे उतना ही हमारा चीला अच्छा बनेगा। देखिए इस तरीके से आप फेटिए। गाइस हमारा बैटर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको इस तरीके से इतना ही गाढ़ा रखना है। और इधर मैंने तवा गरम होने रख दिया है गैस पे। जैसे ही हमारा तवा गरम होगा हम अपना इसको चीला बनाएंगे। अभी ये गरम हुआ नहीं है। आपको अगर इसमें इसको देसी घी में बनाना है तो आप देसी घी में बना सकते हैं, रिफाइंड में बनाना है रिफाइंड में बना सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। एज पर टेस्ट आपको जो अच्छा लगे आप उसी ऑयल में आप इसे बनाइएगा। मैं तो रिफाइंड में बना रही हूँ गाइस। थोड़ा सा तवे पे ऑयल लगाएंगे और तवा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपका चीला जो है वो चिपक जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी चीला बनाएं तवा गर्म होना चाहिए। ठंडे तवे पे आप डालेंगे तो आपका चीला बिल्कुल चिपक जाएगा, बिल्कुल ख़राब बनेगा। अभी भी हमारा इसमें धुआं तो उठ रहा है लेकिन अभी भी ये तेज़ गर्म नहीं है, तो हम तेज़ गर्म करेंगे। और आप मुझे बताइएगा कि आप अपना नया साल किस तरीके से मना रहे हैं और कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में करके मुझे बताइए। अब ये देखिए, अब ये गर्म हो गया है। अब हम उस पर अपना बैटर डालेंगे। बैटर को हम इस तरीके से इसको फैलाएँगे हल्के हाथों से। हमें इसको इस तरीके से फैलाना है। अभी इसे हम एक तरफ से सेकेंगे और चारों तरफ इसमें ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालेंगे। अब हम अपना चीला एक तरफ से पलटेंगे। देखिए कितनी आसानी से चीला मेरा पलटा जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप चीले को पलटेंगे और उसको थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा चीला तैयार हो चुका है। मूंग दाल चीला गर्मा गर्म, साथ में मैंने इसमें चटनी ली है।
आइए एंजॉय करते हैं। मैं सारी दिन अपना मूंग दाल का चीला, और मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में थोड़ी देर में।